नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, जिसका पार्ट टू आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड पढ़ा था, और आज पार्ट टू के अंदर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को ही फिर से पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट तो शुरुआत में रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन किसी भी चीज का जरूरी है, और रिवीजन से ही चीजें याद होती हैं। जितना ज्यादा रिवीजन होता है, उतनी ही ज्यादा यादें होती हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए कि ये क्लास किस किस के लिए बेस्ट है। तो चाहे आप कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेस्ट है। चाहे आप यूपीएसआई की, यूपी लेखपाल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई सा भी एग्जाम हो। अब बात आती है एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जेई, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी के सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ अर्थशास्त्र पढ़ते रहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए, 3-4 क्वेश्चन आपके यहां से डिट्टो फंसने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अर्थशास्त्र राष्ट्रीय, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पढ़ रहे थे, जीडीपी को। किसको पढ़ रहे थे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होती है? किसी देश की सीमा में एक वर्ष के अंत तक वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो किसी भी देश, जैसे भारत के अंदर कोई भी चीज बन रही है या उत्पादित हो रही है, या सेवाएं हैं जैसे सर्विसेज हैं, तो इनका मतलब एक साल के अंदर, एक साल के कंप्लीट 365 कंप्लीट डेज माने जाते हैं, तो 365 दिन के तक वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब घरेलू सीमाएं क्या कहलाती हैं? तो घरेलू सीमाएं कहलाती हैं स्थलीय भौगोलिक सीमा। तो देश की सीमाओं के भीतर सेवा एवं उत्पाद क्या कहलाता है? स्थलीय भौगोलिक सीमा कहलाता है। दूसरा है समुद्री सीमा। समुद्री सीमा में क्या होता है? तो समुद्र के 200 नॉटिकल मील की दूरी क्या कहलाती है? समुद्री सीमा भी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत आती है। तो 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर, ये मैंने कल आपको बताया था। तीसरा है घरेलू जलयान तथा वायुयान का उत्पादन। जो जलयान होते हैं, नेवी के जहाज होते हैं, वायुयान होता है, उनका उत्पादन भी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत आता है। विदेशों में स्थित देश के दूतावास, विदेशों में जो देश के दूतावास स्थित होते हैं वो भी इसके अंतर्गत, घरेलू सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसके पास बाद जो पॉइंट होता है वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या होता है? देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। और माइनस एम क्या होता है? विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। जो बाहर से कंपनियां आती हैं वो हमारे देश में से जितना भी इन्वेस्टमेंट करके पैसे को ले जाती हैं कमा के, वो घटाया जाता है। और देश के नागरिक जो विदेशों में नौकरी करते हैं या फिर अपनी कंपनियां चलाते हैं, तो उनके द्वारा कमाया गया धन जोड़ा जाता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अंतर्गत। तो यही चीज बाद में फिर लिखा है मैंने, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़कर जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है उसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, मैंने विदेश में जाके कितना धन कमाया उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा, विदेशियों ने भारत में आके कितना धन कमाया उसको उसमें से घटाया जाएगा, यही जीएनपी होता है। तो जीएनपी इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? एक पॉइंट और आया था यहां पर, और पॉइंट था जीएनपी। जीएनपी किसके इक्वल होता है? और जीडीपी प्लस एनएफआईए के बराबर होता है। एनएफआईए क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है उसको जीडीपी के अंतर्गत जोड़ा जाता है, और यही जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। क्या होता है? मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन होता है। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली गिरावट या घिसावट मूल्यह्रास कहलाती है। जैसे उत्पादन होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान कोई भी गिरावट आती है, जो भी कीमत में गिरावट आती है या घिसावट आती है सामान के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहलाता है। मूल्यह्रास क्या होता है? वस्तु की आय बटे जीवन काल के बराबर होता है। तो मूल्यह्रास आपसे पूछा जाता है, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो जो डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है वो वस्तु की आय बटे जीवन काल के बराबर होता है। किसके बराबर? वस्तु की आय बटे जीवन काल। आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, एनएनआई। एनएनआई क्या होता है भैया? एनएनआई क्या होता है? तो नेट नेशनल उत्पाद इनकम को यहां पर बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बिल्कुल प्योर जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो क्या होता है? उत्पाद। भाई भारत के अंदर कोई उत्पाद बन रहा है तो क्या अपने आप में वो शुद्ध है? तो ये बात आती है। तो जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी, जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, प्लस देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय, माइनस घटाई जाती है विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास के बराबर होती है। यानी कि विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा दिया जाता है तथा मूल्यह्रास को घटाया जाता है जीएनपी के अंतर्गत अंतर से, तो क्या कहलाता है? एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो क्या होता है? जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अब बात आती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, आप उसमें से डेप्रिसिएशन को अगर घटा देते हैं, मूल्यह्रास को यदि घटा देते हैं, तो घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब इससे समझिएगा, ये बड़ा अच्छा सा चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत करके तैयार करके आपके लिए ये नोट्स लेके आया हूं, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक होता है बाजार मूल्य पर और एक होता है कारक मूल्य पर। यानी कि मार्केट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक होता है मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और एक होता है फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो ये एक तरीके का अंतिम मूल्य होता है। क्या होता है? अंतिम मूल्य होता है। तो कारक बाजार में कारक टैक्स व सब्सिडी के कारण जिस मूल्य पर वस्तु अंतिम रूप से उपलब्ध होती है, मार्केट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। मार्केट प्राइस यानी कि एक तरीके से का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? कारक बाजार में कारक टैक्स व सब्सिडी के कारण, जो कारक बाजार होता है उसमें कारक टैक्स व सब्सिडी के कारण जिस मूल्य पर वस्तु अंतिम रूप से उपलब्ध होती है, मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्रदर्शित करती है। दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट पर, कारक मूल्य पर। तो कारक मूल्य पर क्या होता है भैया? तो ये होता है उत्पादन के समय काम में लिए गए कारकों का कुल मूल्य, यदि उत्पाद का मूल्य दिया गया हो। क्या हो? उत्पाद का मूल्य दिया हो। अब बात करते हैं बाजार की कीमत पर। बाजार कीमत पर एमपी, मार्केट प्राइस पर क्या है? तो कारक मूल्य, फैक्टर कॉस्ट पर अगर देखें तो बाजार मूल्य में से टैक्स को घटाया जाए, सब्सिडी को जोड़ा जाए। बाजार मूल्य में से टैक्स को घटाया जाए, सब्सिडी को जोड़ा जाए, फैक्टर कॉस्ट कारक मूल्य कहलाता है। एनएनपी क्या होता है? तो एनएनपी मार्केट प्राइस पर माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी होती है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर क्या होती है? तो एनएनपी मार्केट प्राइस पर माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी होती है एनएनपी। चलिए अब अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहलाता है। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ये कारक मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब बात करते हैं जीडीपी की। किसकी बात करते हैं? जीडीपी की। तो जो जीडीपी होती है, अब जीडीपी को कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है ये बात समझिए। जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास को घटाया जाए, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाए तो एनडीपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है और एनडीपी में मूल्यह्रास को जोड़ने पर जीडीपी प्राप्त होता है। भैया सीधा सीधा है, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाइए, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा, और एनडीपी में मूल्यह्रास को जोड़िए, जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जीडीपी में अगर एनएफआईए को जोड़ा जाता है तो जीएनपी प्राप्त होगा, और जीडीपी में से ही एनएफआईए को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा जीएनपी। अब बात एक आती है कि जो एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, एनएफआईए क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय एनएफआईए होती है। अब जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दीजिए, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दीजिए तो एनएनपी प्राप्त होगा मार्केट कॉस्ट पर। किस पर? मार्केट कॉस्ट पर। और मूल्यह्रास को एनएनपी में जोड़ देंगे तो जीएनपी प्राप्त होगा मार्केट कॉस्ट पर। अब यही एनएनपी मार्केट कॉस्ट पर अगर देखें, टैक्स प्लस माइनस टैक्स कर दिया जाए, सब्सिडी जोड़ दी जाए, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त होगी। और एनएनपी मार्केट कॉस्ट पर टैक्स को जोड़ा जाए, सब्सिडी को घटाया जाए, तो एनएनपी मार्केट कॉस्ट पर प्राप्त होगा। एनएनपीएफसी में से घटाया जाए, फैक्टर कॉस्ट में से घटाया जाए, और ये सभी इक्वल हो जाएंगे किसके? एनआई नेशनल इनकम के बराबर होते हैं। किसके बराबर? नेशनल इनकम के बराबर होते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? भाई देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहे हैं, देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहे हैं तो वो क्या आएंगे? एक तरीके से पर कैपिटा इनकम के अंतर्गत आने चाहिए। भाई देश का प्रत्येक नागरिक कितनी, मतलब कितना कमाता है, देश का प्रति एकांक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, ये पूछा है प्रति व्यक्ति आय। तो ये निकालते हैं, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग लगा दिए। भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है देश की? 125 करोड़। जितनी भी जनसंख्या है टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार, आज की डेट में अगर राष्ट्रीय आय को देखा जाए, नेशनल इनकम को देखा जाए, तो उसमें अगर पॉपुलेशन का डिवाइड लगा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो जीडीपी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि जीडीपी का क्या फर्क पड़ रहा है, नेशनल इनकम का क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतनी ही ज्यादा लोगों को जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतनी ही ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से बेरोजगारी खत्म होगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होगा? बेरोजगारी खत्म होगी। भुखमरी को कम किया जा सकता है। भुखमरी को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। कब? जब प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, समस्याएं कम होना शुरू होंगी। चलिए अब 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है? भाई 2019-20 के जो पिछले आंकड़े हैं उनमें क्या थी प्रति व्यक्ति आय? तो चालू वर्ष पर देखा जाए तो यह कितनी है? 135,050 रुपए। 135,050 रुपए पर 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। अब बताइए, ये तो चालू वर्ष पे दिखा रहा है, लेकिन आधार वर्ष पर देखा जाए तो 96,559 रुपए 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय जो प्रति वर्ष है तो वो 96,559 रुपए है। अब आप बताइए, क्या भारत के अंदर प्रत्येक एकांक व्यक्ति की आय इतनी है? लेकिन आंकड़े बता रहे हैं तो उसके अंदर काउंट किया जाता है कृषि, एग्रीकल्चर सिस्टम को भी जोड़ा जाता है, आपके बिजनेस को भी जोड़ा जाएगा, आपकी सर्विस को भी जोड़ा जाएगा, जितने भी पार्ट जीडीपी के अंतर्गत जोड़े जाते हैं उसी पर चालू वर्ष और आधार वर्ष पर आपकी प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। बस समझ में हो गई। अब अगला थोड़ा सा स्टेप और देख लीजिए,
चालू वर्ष पर और आदर्श वर्ष पर। चालू वर्ष क्या होता है? चालू वर्ष का मतलब होता है जो करंट ईयर प्रचलित वर्ष है, जिस चालू वर्ष में अभी चल रहे हैं, तो 2021 चल रहा है, ये चालू वर्ष है एक तरीके से। आधार वर्ष क्या है? जिसके अनुसार जनगणना होती है वही सेंसस के अकॉर्डिंग ही तो लिया जाएगा। तो जो आधार वर्ष है वो 2011-12 के अनुसार है। तो वेस ईयर और करंट ईयर, करंट ईयर प्रचलित वर्ष और वेस ईयर को हम स्थिर वर्ष भी कहते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जब अर्थव्यवस्था की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है तो क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं हम प्रचलित वर्ष पर, यानी कि चालू वर्ष पर। अब आधार वर्ष क्या होता है? तो जब किसी वर्ष का आधार, किसी वर्ष को आधार मानकर उन कीमतों के आधार पर अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। जब किसी वर्ष को आधार मानकर, जब किसी वर्ष को आधार मानकर उन कीमतों के आधार पर अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है, आधार वर्ष पर क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहां से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में अगर राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना क्या होगी? तो पहला पॉइंट समझिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादाभाई नेहरू जी द्वारा 1868 में की गई थी। भाई भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी? तो ये गणना सबसे पहले की थी दादाभाई नेहरू जी ने 1868 में, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी और अन ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के बिना, अंग्रेजों का जो शासन है इन इंडिया भारत में, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में दादाभाई नेहरू जी ने 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी। अब अगला क्या है? इस पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई गई थी। अब एक बात बताइए, 1868 में, 1868 में, 1868 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपया थी। क्या थी? 20 रुपया। 1911-12 में फिडले सिराज द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 49 रुपये बताई गई। भाई 1911-12 की बात की जाए, 1868 से 1911-12 यानी कि समय बहुत ज्यादा हो गया, लगभग लगभग 40 वर्ष के बाद जो फिडले सिराज आए थे, जो फिडले सिराज थे, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 49 रुपये बताया था। अब अगला पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में VKRV द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर, साइंटिफिक बेस पर जो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, इसकी गणना 1931-32 में VKRV राव द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद। ये तो बात कब की हुई? ये बात हुई जब देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? तो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पीसी महालनोविस अध्यक्ष थे। 1949 में अगस्त के महीने में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय आय की गणना CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना मई 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। अब अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में CSO का नाम भी बदल दिया है। भैया क्या कर दिया है? तो NSO कर दिया। CSO को, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, का नाम बदल के NSO किया है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। भाई 2011-12 में क्या हुई थी? सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12 लिया जाता है। लेकिन अब यहां से आगे उसको हटा दिया जाएगा, जैसे ही नई जनगणना आएगी तो 2021-22 हो जाएगा। 21 वाली जनगणना में देखते हैं अभी ये 22 में हो पाएगी। तो आधार वर्ष 2004-05 को 2011-12 में जनवरी 2015 को कर दिया गया, यानी कि आधार वर्ष को 2004-05 की बजाय 2011-12 कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। तो ये टाइम लगभग आने ही वाला है जो कि इसको
फिर से अपडेट करने का समय आने वाला है। तो कल पढ़ेंगे हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय को भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि वास्तव में आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, वीडियो में क्या कमी थी वो भी बताइएगा, वीडियो कितना अच्छा है ये भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।